रफा मुराद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनेता। रफा जी, बहुत स्वागत आपको इंडिया टीवी पर। क्या आपकी परिवार वालों से कोई बातचीत हो पाई है? नहीं, मुझे तो अभी इसकी इत्तला मिली है, इस दुर्घटना की इत्तला मुझे अभी मिली है, तो मैं बात करूंगा। मेरे बहुत अच्छे उनसे पारिवारिक संबंध हैं और मैं अकेला विलन हूं जिसने सबसे ज्यादा फिल्में गोविंदा के साथ की हैं। तो मैंने उनके भाई कीर्ति कुमार के साथ भी आंटी नंबर वन में काम किया है, तो मैं सबको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, पूरे परिवार को अच्छी तरह जानता हूं। ये जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और एक कहावत है कि होनी जो है वो होकर रहती है, कि ये होनी थी। और बहुत ही बात जो है ये दुखदायक है, एक ऐसा डांसर जिसने पिछले 40 सालों में अपने डांसेस से पूरे देश का मनोरंजन किया है, और उनके डांस में एक ऐसी खास बात थी कि जब वो डांस करते थे हीरोइन के साथ तो लोग हीरोइन को नहीं देखते थे दर्शक, बल्कि गोविंदा को देखते थे। ये उनकी खास बात रही है, गोविंदा से कभी नजर हटती नहीं थी जब वो डांस करते थे। एक ऐसी कुदरती खूबी है उनमें डांस करने की, उन्हें डांसिंग स्टार कहा जाता है। बिल्कुल रजा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के केवल शरीर डांस करते हैं लेकिन उनके बॉडी का एक एक अंग, और सबसे खास बात तो ये कि उनका चेहरा भी उनके साथ डांस करता है, इतना एक्सप्रेशनफुल उनका डांस रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आपने जैसे कहावत कही, और एक कहावत मैं भी कहना चाहती हूँ कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये वाकई में ईश्वर का आशीर्वाद रहा, कृपा रही कि कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हुई। बहुत शुक्रिया रफा जी इंडिया टीवी को समय देने के लिए।